हमारा स्टैंड करता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, दैट मीन्स कि हमारे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो हमें कैसे कैरी करने चाहिए और उस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में हमारे पास क्या क्या आता है। तो जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। अभी जो हमारा पीपी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसमें हम N95 मास्क ये सब यूज़ करते हैं। अब जो हमारा पीपी किट है इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, हमारे हेयर कैप आता है, हमारा मास्क आता है, उसमें हम मोस्टली जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ N95 मास्क मोस्टली इन कोविड केस, अदरवाइज हम सर्जिकल मास्क यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे ग्लव्स आते हैं जिसमें हमारे लूज़ ग्लव्स भी रहते हैं और सर्जिकल ग्लव्स भी रहते हैं। जो लूज़ ग्लव है ग्लव्स हैं हमारे दैट इज़ क्लीन ग्लव्स, वो हम नॉर्मली नॉर्मल वार्ड में नॉन कोविड वार्ड में यूज़ करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड व्हेन वी ट्रीट द कोविड पेशेंट वी हैव टू कैरी विद आर सर्जिकल ग्लव्स। नेक्स्ट हमारी पीपी सूट, जो हमारा पीपी सूट रहता है उसका यूज़ ये है कि हम उससे फुल्ली कवर कर सके अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी का कोई एक्सपोजर नहीं होना चाहिए टूवर्ड्स द पेशेंट व्हेन वी ट्रीट द कोविड पेशेंट। और हमारे शूज़ कवर, ये सब चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं जब हम किसी कोविड पेशेंट को देखते हैं। हम हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आई गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हम फेस शील्ड का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारी आइज़ हैं वो प्रोटेक्ट हो सके, किसी कंटामिनेशन में ना आए या फिर कोई इन्फेक्शन किसी पेशेंट के थ्रू हमारे इनर साइड में एंटर ना करें। तो ये सब हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने को इन्फेक्शन से, या फिर कोई भी कोविड पेशेंट है उससे हमें कोई इन्फेक्शन हमारे तक ना आए। तो जो हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं ये एज अ बैरियर इन्फेक्शन और हमारी बॉडी के बीच में एज अ बैरियर काम करते हैं ताकि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। मोस्ट यूज़ इसका इसी चीज़ के लिए किया जाता है हॉस्पिटल्स में ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सके। और जैसे यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो हैं हमारे यूनिवर्सल प्रिकॉशन से में हमारा हैंड हाइजीन आता है, तो हैंड हाइजीन हम मोस्टली या तो हैंड वॉश करते हैं या फिर हैंड सैनिटाइज करते हैं। तो जो हम हैंड सैनिटाइज करते हैं और हैंड हाइजीन हैंड वॉश करते हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक एसेप्टिक मेथड होता है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। इसमें हमारे सोशल हैंड हाइजीनिंग आता है एसेप्टिक मेथड से करने के लिए, हमारे पास मेडिकल और सर्जिकल हैंड हाइजीन होता है जिसमें हम नॉर्मली सैनिटाइजर का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम हैंड वॉश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोप या फिर कोई भी सॉल्यूशन लेके। गुड आफ्टरनून क्लास, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पीपीई करेंगे। पीपीई पीपीई स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। फुल फॉर्म क्लियर है सबको? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं क्यों, ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो या इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो आपसे पेशेंट को, पेशेंट से आपको या फिर किसी और को इन्फेक्शन ना फैले। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज़ पीपीई। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड आपने सुना होगा हॉस्पिटल्स में पीपी किट यूज़ की जाती है, सुना सबने? तो वो भी यही चीज़ है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ काम करता है डॉक्टर्स नर्सेस लैब टेक्नीशियन फार्मेसी जो भी लैब जो भी वहाँ पे काम करता है उनका क्या काम होता है? पीपीई पहनना, ठीक है। वो क्या करते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कैरी करते हैं ताकि उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन का सोर्स उनसे पेशेंट को ना हो, पेशेंट से उनको ना हो और उनसे किसी और को ना फैले। तो पीपीई हेल्प करता है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। पता चल गया पीपीई क्या है? ठीक है, तो पीपीई का पर्पस क्या है, पर्पसेस क्या हैं इसके? पर्पसेस मींस किस चीज के लिए ये यूज होगा, क्या काम है इसका, ठीक। क्या होगा? पीपी नहीं पहनोगे तो क्या हो सकता है? इन्फेक्शन फैलेगा आपसे किसी और में, क्या बनेगी? चेन बन जाएगी एक इन्फेक्शन की, राइट। तो पीपी से
नहीं यूज़ करोगे इन्फेक्शन फैलेगा, हो सकता है आपको ट्रीटमेंट देने में भी प्रॉब्लम हो, कोविड पेशेंट को आप विदाउट पीपी नहीं देख पाओगे, आपको ऐसा फील होगा कि शायद हमें ये चीज़ ना हो जाए, होगा? तो हमें कोविड ना हो या कोई इन्फेक्शन ना हो या फिर कोई और ऐसी डिजीज़ ना हो जो फैलने वाली हो, फॉर एग्जांपल टीवी है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, मास्क नहीं पहनोगे तो क्या है, स्प्रेड होने का चांस रहता है, ठीक है, तो हम मास्क यूज़ करते हैं। हेपेटाइटिस का पेशेंट है, उस केस में भी हम केयरफुल रहते हैं, हम प्रॉपर ग्लविंग करते हैं और पेशेंट का ट्रीटमेंट विदाउट ग्लव्स हम नहीं करते। और अगर कोई एड्स का पेशेंट है, ठीक है, तो सर्जरी के टाइम पे हम क्या करते हैं, अगर एड्स के पेशेंट की सर्जरी है तो हम प्रॉपर इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उन इक्विपमेंट्स को बोला जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? पर्पजेज अगर नहीं करोगे यूज़ तो क्या होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, राइट? तो हमारा मेन मोटिव है पीपी को यूज़ करना ड्यूरिंग द टाइम कोविड में भी, या फिर नॉर्मली अगर हम कोई पेशेंट देख रहे हैं एचआईवी का या फिर हेपेटाइटिस का या टीवी मरीज। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं लेकिन कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कौन कौन से हो गए। फर्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सबसे पहले हेड टू टो करेंगे, ठीक है, हेड है, अपने बालों को कवर करने के लिए हम यूज करेंगे हेड कैप या आप बोल सकते हो हेयर कैप। क्लियर है? जो हेयर कैप होगी आपकी वो इस तरह की होती है, दिख रहा है सबको? तो फर्स्ट इज हेड कैप, दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड आइज हैं, आइज को हम प्रोटेक्ट करते हैं गॉगल्स से, या अगर गॉगल्स नहीं हैं तो हम यूज कर सकते हैं फेस शील्ड, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, सबको दिख रहा है? क्लियर, ये हो गया आपका आई को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब माउथ, नोज, आपके पास क्या है, मास्क है, ठीक है, आप क्या करोगे, मास्क का यूज करोगे। ये कौन सा मास्क है? यह है सर्जिकल मास्क, ठीक है। नॉर्मल अगर आप नॉर्मली पेशेंट को, जो नॉन कोविड पेशेंट है, अगर आप उसको देख रहे हो तो आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ कोविड पेशेंट यू हैव टू बियर N95 मास्क। क्लियर है? ठीक, N95 मास्क पता है ना सबको? अभी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं दिखा नहीं पा रही, अदरवाइज मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। क्या हो गया हमारा सेकंड, गॉगल्स या फेस शील्ड, नेक्स्ट नोज और माउथ को किससे कवर करेंगे हम, मास्क, इसमें आपके पास N95 या सर्जिकल दोनों भी आ सकते हैं। इसका पर्पस भी मैं आपको बताऊंगी, ये दोनों कब कब यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने बोला कोविड पेशेंट में यू हैव टू यूज N95 मास्क और सर्जिकल मास्क नॉर्मल, जो पेशेंट कोविड के नहीं है N95, क्यों? क्योंकि वो कॉम्युनिकेबल डिजीज है। कॉम्युनिकेबल डिजीज पता है सबको? जो फैलती है बाय कॉन्टैक्ट, एयरबोन। इन्फेक्शन पता है सबको? व्हाट इज इन्फेक्शन, क्या है इन्फेक्शन बताइए, है ना? इन्फेक्शन क्या है, या ड्रॉप से हो गया, बाय कॉन्टैक्ट हो गया, या आपकी इनर बॉडी में ब्लड में कुछ हो गया, या कोई बूंद हो गया, ड्रेसिंग करते हैं फिर हम उस बूंद की, या कोई बेडसोर हो गया, बेडसोर इतना ज़्यादा फैल गया कि वहाँ पे इन्फेक्टेड हो गया पूरा, या सर्जरी हुई है, सर्जरी वाली साइट पे क्या हो गया, प्रॉपर केयर नहीं की, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। क्लियर है? इस तरह से हमारे इन्फेक्शन होते हैं। अब इन्फेक्शन होता कैसे कैसे है, हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट में आते हो पेशेंट के, हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पेशेंट्स हैं, कोई रेस्पिरेटरी से सफ़र कर रहा है, कोई जियाट्रिक से, और
कई गायनों के पेशेंट्स हैं, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज हैं, टेस्ट करवाने आती हैं, कुछ बच्चे हैं, न्यूबॉर्न्स बेबी हैं, तो इस तरह से क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां, डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं अलग अलग बीमारियां लेके, राइट? उसमें से कुछ कैसे होंगे, कम्युनिकेबल डिजीज के भी हो सकते हैं, होंगे या नहीं? टीबी के हो सकते हैं या फिर कोविड के होंगे, कोविड वार्ड वैसे अलग होता है, टीबी वाले पेशेंट को भी आइसोलेशन में मीन्स अलग रखा जाता है, क्लियर है सबको? उनको नॉर्मल पेशेंट के साथ वार्ड में या फिर कहीं रूम में नहीं रखा जाता, उनको सेपरेट रखा जाता है, लेकिन उनको देखने के लिए स्टाफ तो जाता है, तो स्टाफ को क्या है फुल प्रिकॉशन यूज करना पड़ता है, क्लियर है? इसके लिए हम पीपीई यूज करते हैं, क्लियर? अब इन्फेक्शन कैसे कैसे होता है, ड्रॉपलेट सुना है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एयरबॉर्न और बाय कॉन्टैक्ट। ड्रॉपलेट में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है और उसने आपके सामने क्या किया, स्नीज कर दिया या कफ कर दिया और क्या हुआ, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एयरबॉर्न में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इन एनवायरमेंट में है, ठीक है। अब बाय कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में क्या है, अगर कोई पेशेंट आपके सामने है, आपने क्या किया, टच किया, उसका काम किया, लेकिन प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया, पर्सनल हाइजीन भी नहीं की, ना पीपी यूज किया, तो क्या होगा, उसका इन्फेक्शन आप में आ जाएगा, तो क्या हुआ, बाय कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब कोविड है, ड्रॉपलेट के थ्रू भी होता है और बाय कॉन्टैक्ट भी होता है, होता है? अभी क्या बोला जा रहा है, क्या गाइडलाइंस आती हैं कि बाहर जाते हो मास्क पहनो, किसी से टच ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, यही बोला जाता है। घर आते हो प्रॉपर सैनिटाइज करो, पहले बैग साइड रखो, सैनिटाइज कॉन्टैक्ट, इतना क्लियर है? तो इन्फेक्शन इस तरह से हमारा स्प्रेड हो सकता है। हॉस्पिटल में जाओगे, किसी भी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आओगे, वापिस आओगे तो क्या है, कोई ना कोई इन्फेक्शन साथ में लेके आओगे। आप क्या ध्यान रखोगे, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली जा रहे हो, अगर एज अ स्टाफ जाते हो तो आपका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्यों, क्योंकि आप पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हो। अगर आप नॉर्मली जा रहे हो तो आपका क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आप हॉस्पिटल जाते हो प्रॉपर मास्क यूज करो, कोशिश करो कि आप कोई भी चीज़ टच ना करो, राइट, कोई भी चीज़ टच ना करो, या फिर जब आप वापस आते हो तो कोशिश करो आप क्या करोगे, घर पहुंचोगे तो आप पहले सैनिटाइज करोगे जो आपके बैग्स हैं उनको, फिर एंटर करोगे अपने कपड़े, खुद को प्रॉपर क्या करोगे, हाइजीन मेंटेन करोगे, वॉश करोगे, नहाओगे, ये सब करना है, क्लियर है? ये था हमारा इन्फेक्शन कैसे कैसे हो सकता है। तो इसी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीपी किट का यूज करते हैं, क्लियर है? आप फोर्थ आएगा आपका पीपीई सूट, या फिर बोल सकते हो गाउन, गाउन आपका सर्जिकल गाउन होता है, ठीक है। तो क्या यूज करोगे, पीपी सूट, पीपी सूट आपके फॉर एग्जाम्पल जंप सूट के जैसा वैसा दिखता है, उसको हम बोलते हैं पीपीई सूट, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सर्जिकल गाउन, सर्जिकल गाउन जो है वो गाउन के जैसा होता है लेकिन पीपी सूट से डिफरेंट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो पीपी सूट, अब आपने अपनी आईज को कवर कर लिया, हेयर को कवर कर लिया और नोज और माउथ को भी कवर कर लिया, आपका क्या है बॉडी, बैक है, फ्रंट है, इन दोनों साइड को भी आप बचाना चाहते हो, तो हम क्या यूज करेंगे, पीपी सूट या गाउन, क्लियर है? क्या रह गया, हैंड्स, तो हैंड्स में हम क्या पहनेंगे, ग्लव्स, और लास्ट वन दैट इज शू कवर, इतना क्लियर है? ये सेवन पीपी इक्विपमेंट्स हैं, क्लियर है? अब नेक्स्ट है हमारा पीपी सूट, पीपी सूट जैसे मैंने बताया गाउन होता है वो ओपन रहता है, ठीक है, उसमें आपको फुल कवर करने के लिए जैसे
आपका जो ये वाला एरिया है, गर्दन वाला एरिया है, ये ओपन रहेगा और आपके पैर भी थोड़े से क्या है, ओपन रहते हैं गाउन में। और पीपी सूट में क्या है, आप ऊपर से नीचे हेड टू टो फुल्ली कवर्ड होते हो। क्लियर है इतना सबको? और नेक्स्ट ग्लव्स, हम अपने हैंड्स की प्रोटेक्शन करेंगे क्योंकि हाथ क्या है, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज क्या होता है, हाथ। हम क्या करते हैं हैंड से, कोई भी काम कर रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, कुछ चीज उठा रहे हैं, किसी पेशेंट का कोई काम कर रहे हैं, पेशेंट को कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा यूज्ड है ना, सबसे ज्यादा यूज टू है। तो इसीलिए हम अपने हैंड्स को भी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। हैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या वियर करेंगे, क्लियर है? देखो इस तरह से, ये कौन से ग्लव्स हैं, ये है सर्जिकल ग्लव्स, ठीक है। एक लूज ग्लव्स भी आता है, वो आपके बॉक्स में रहता है, उनको हम क्लीन ग्लव्स भी बोल सकते हैं। लेकिन जो इस तरह पैकेट में कवर होके आपको मिल रहा है, दैट इज स्टेराइल ग्लव्स, इसको आप सर्जिकल ग्लव्स बोलते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट लास्ट, दैट इज शूज कवर। आपके शूज हैं, शूज से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन आप यहां से वहां लेके जा सकते हो, हो सकता है आप हॉस्पिटल के बाहर से आ रहे हो, किसी इन्फेक्टेड चीज से आ रहे हो, आप क्या करोगे, वही इन्फेक्शन सेम हॉस्पिटल तक लेके आओगे, या फिर हॉस्पिटल का इन्फेक्शन घर तक लेके जाओगे, लेके जा सकते हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, शूज कवर। क्लियर है? जो आपके शू कवर रहते हैं वो इस तरह से पैक्ड होते हैं, ये हैं नॉर्मली जो हमारे यूज होता है। क्लियर? इस तरह से रहेंगे, दिख रहा है सबको? इतना क्लियर हो गया? हेड कैप, गॉगल्स, मास्क, पीपी सूट, ग्लव्स और शू सूट है वो हम कब यूज करेंगे, जब कोविड पेशेंट है हमारे पास, कोई कोविड का पेशेंट है तब हम पहनेंगे। अगर कोई नॉर्मली फॉर एग्जांपल किसी कोविड पेशेंट की कोई अर्जेंट सर्जरी है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, पीपीई किट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कोविड वार्ड में है तो आप ये यूज करोगे, आप हमेशा क्या करोगे, जैसे ही ड्यूटी पे जाओगे आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा, पीपीई किट को पहनना। क्लियर है? ठीक है। और गाउन हम कब कब पहन सकते हैं, गाउन पहनने के लिए जब भी आप गाउन पहनोगे तो आप कोशिश करो कोविड पेशेंट को ट्रीट नहीं करोगे। क्लियर है सबको? क्या करोगे, कोविड पेशेंट को ट्रीट नहीं। आप लोग गाउन से, फॉर एग्जांपल अब हॉस्पिटल में बहुत सारा स्टाफ है, लैब का स्टाफ है, फार्मेसी स्टाफ है, डाइटिशियंस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बहुत सारा स्टाफ होता है, पता है सबको? तो जो पेशेंट कोविड से मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट कोविड से रिलेटेड सब कुछ चल रहा है, तो वो कोविड वार्ड में है, अगर आपकी ड्यूटी कोविड वार्ड में है तो आप क्या करोगे, पीपी किट का यूज करोगे। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूटी है ओपीडी की साइड में, लेकिन वहां पर कोविड पेशेंट नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, गाउन का यूज कर सकते हो। क्लियर है सबको? या फिर कोई नॉन कोविड वार्ड है, नॉन कोविड वार्ड मींस कोविड के पेशेंट्स वहां पे नहीं होंगे, उस केस में आप क्या करोगे, गाउन का यूज करोगे, ठीक है। तो पीपी हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, कोविड पेशेंट्स में, या कोई अर्जेंसी में कोई ओटी हो रही है, अर्जेंट ओटी, ओटी मींस, ठीक है, कोई अर्जेंट सर्जरी है किसकी, कोविड पेशेंट। क्लियर है? और गाउन हम कब कब वियर करेंगे, गुड, नॉन कोविड पेशेंट में या फिर नॉर्मली, इतना क्लियर हो गया सबको? यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। किट में हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, प्रीति? पीपी किट्स में हेयर कैप होता है, अपने गॉगल्स होते हैं और मास्क होता है, पीपी किट सूट होता है और ग्लव्स होते हैं और शू कवर होते हैं। ओके, सिट डाउन। कंचन, किट में मास्क है, मास्क का क्या रोल है?
मैम मास्क हम इसलिए पहनते हैं ताकि पेशेंट का इन्फेक्शन हमें ना आए और हमारे इन्फेक्शन पेशेंट तक ना जाए। और मास्क हमारे दो तरीके के होते हैं, एक N95 जो हम कोविड टाइम पे पहनते हैं और दूसरा सर्जिकल, वो हम नॉर्मली वार्ड वगैरह में जाते हैं तो हम पहनते हैं। थैंक यू। सिट डाउन। ठीक है, अभी तक क्लियर है सारा? कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? ओके ठीक है। तो अब पीपी किट, हमें पता चल गया पीपी किट का क्या काम है, पीपी किट है क्या, पर्पजेस क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमें कब पहनना है, किस पेशेंट को देखने के लिए पहनना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, आप नॉर्मल कोविड वार्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, आपने गाउन वियर किया है, अगर आपको दो मिनट के अंदर एमरजेंसी में शिफ्ट करवाया जाता है कि वहाँ पर स्टाफ नहीं है, आपको वहाँ पर किसी पेशेंट को शिफ्ट कराना है या किसी पेशेंट को एम्बुलेंस के थ्रू कहीं लेके जाना है, लेकिन वो पेशेंट क्या है, कोविड पॉजिटिव है, तो आपका क्या रोल होगा? कोरोना पेशेंट को पहले हम ट्रीट करेंगे, उससे पहले फर्स्ट वी हैव टू वेयर पीपीई किट, और उसके बाद हमें उन्हें पोलाइटली मैनर में उन्हें ट्रीट करना है, और उसके बाद मतलब कि क्वारंटीन करना है प्रॉपर। ओके सिट डाउन। क्लियर है सबको? पीपी में कोई डाउट? ठीक है, अब ये हो गया पहनने का। अब पीपी पहनने का भी एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। पीपी किट क्या है? स्टेराइल है। उससे क्या हो रहा है? एज अ बैरियर आपके इन्फेक्शन और आप में काम कर रही है। क्लियर है सबको? ठीक है, आप ये आपका पीपी किट है, ये आप हो, क्लियर है, ये इन्फेक्शन, अगर आप किसी को चेक कर रहे हो, ठीक है, ये आपने पीपी पहना है, ये आप हो यहाँ पे, इन्फेक्शन क्या है, यहाँ तक आएगा, क्या काम कर रहा है ये, एक दीवार खड़ी हो रही है, मैं हूँ, मैंने पीपी पहना है, क्लियर है, इसको समझ लो ये पीपी है, इन्फेक्शन आ रहा है, यहाँ तक रह जाएगा, क्या कर रहा है, एंटर नहीं कर पा रहा अंदर, क्या बोलोगे इसको, दीवार बन रही है ना, तो पीपी क्या है, एज अ बैरियर काम करता है, ठीक है, इन्फेक्शन को आपकी बॉडी में एंटर नहीं होने देता, एज अ बैरियर काम करेगा, क्लियर है? तो इससे क्या होगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, बीमार नहीं पड़ोगे, कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं फैलेगा, इसीलिए हमें क्या करना है, पीपी का यूज करना ही है। ठीक है, तो जब भी आप ड्यूटी पे जाते हो, आपकी मॉर्निंग है या इवनिंग है, जो भी शिफ्ट है, तो आप क्या करोगे, कोविड वार्ड में अगर ड्यूटी है तो आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा, आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कैरी करोगे, क्लियर है? आप हैंड हाइजीन करोगे। हैंड हाइजीन हम क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए करते हैं। हैंड हाइजीन हम कब कब करते हैं? वैसे नॉर्मली कब करते हो आप हैंड हाइजीन? ठीक है, हैंड हाइजीन हम सोशल करते हैं, मेडिकल करते हैं और सर्जिकल करते हैं या नहीं? ठीक है, सोशल हमने पहले भी पढ़ा है, क्लियर है, सबको पता है ना हैंड हाइजीन का? तो हम क्या करते हैं, सोशल में क्या है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या घर में नॉर्मली जब भी कुछ खाना है तब हम हाथ धोते हैं। लेकिन मेडिकल हैंड हाइजीन हम कब करते हैं? जब हम किसी पेशेंट को देखने जा रहे हैं, पेशेंट के रूम में एंटर कर रहे हैं तब, और उसके रूम में आने के, ठीक है, पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के, क्लियर है, या फिर कोई प्रोसीजर करने से पहले या प्रोसीजर करने के, या फिर पेशेंट को आप कोई आईवी इंजेक्शन दे रहे हो, आईवी इंजेक्शन या फिर कोई टैबलेट खिला रहे हो, वो टैबलेट या मेडिसिन देने से पहले या फिर उसके बाद, तो ये सब क्या है, हैंड हाइजीन के स्टेप्स की, कब कब हमें करना है और कब हमें नहीं करना है, क्लियर है इतना? हैंड हाइजीन में हमारे स्टेप्स होते हैं, सबको पता है, क्लियर है? तो हमारा क्या क्या, सबसे पहले आपका क्या होता है, आपको अपने पाम्स को साफ करना है, आपने सैनिटाइजर लिया या सोप लिया, जो भी आपको करना है, हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइज, दो तरह से हम करते हैं। आप क्या करोगे, हैंड सैनिटाइजर लोगे, फर्स्ट यू हैव टू रब द पाम ऑफ योर हैंड्स, करो रब पाम ऑफ द हैंड्स, देन बैक ऑफ द हैंड्स, क्लियर, फिर इंटरलिंक या इंटरलेस बिटवीन द कहाँ फिंगर्स में, फिर नकल्स, नकल्स को क्लीन करोगे आप, देन थंब रोटेशन दोनों साइड, बोथ साइड, फिर फिंगर टिप्स, देन लास्ट इज योर रिस्ट,
ये तो मेडिकल है, इफ अगर आप सर्जिकल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, एल्बो तक जाओगे, क्लियर है? इसी में रोटेटरी मोशन में फिर आप क्या करोगे, वॉश करोगे, ड्राई करोगे, फिर आप ग्लव्स पहनते हो। ये सब क्या है, एसेप्टिक टेक्निक्स हैं, हैंड हाइजीन करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, पीपी किट पहनते हैं। ये सब किस चीज़ के लिए, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, क्लियर है सबको? तो पीपी किट हम कैसे पहनेंगे, सबसे पहले हमें हैंड हाइजीन करना होता है, हमने कर लिया। हैंड हाइजीन के बाद हम क्या करेंगे, मास्क अगर आपने पहना है तो अच्छी बात है, पहना ही होगा अभी कोविड के टाइम में। अगर नहीं पहना है तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, मास्क पहनेंगे। मास्क पहनने के बाद हम क्या करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है? फिर हेड कैप, अगर गॉगल्स है तो गॉगल्स भी वियर करोगे, अदरवाइज आई जो हमारी फेस शील्ड रहती है उसे हम उसी टाइम यूज़ नहीं करते, वो हम लास्ट में पहनते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीपी सूट या गाउन पहनेंगे, क्लियर है? शूज़ कवर पहनेंगे और फेस शील्ड लगाओगे, क्लियर है सबको? आफ्टर दैट हम फिर सैनिटाइज करते हैं विद स्टेप्स, जो हमारे स्टेप्स हैं, बाय दैट मेथड हम क्या करेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे। और हम अगर हमें डबल ग्लविंग करनी है तो हम डबल ग्लव्स पहन सकते हैं, क्लियर है सबको? तो पहनते हुए हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, आप क्या करोगे, जब भी आप पीपी किट पहनते हो आपको क्या ध्यान में रखना है पीपी किट पहनते हुए, कि वो टच ना हो आपके ऐसे एरिया से जो इन्फेक्टेड है, स्टराइल नहीं है, ठीक है? डू नॉट टच पीपी विदाउट हैंड हाइजीन। और किस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, आपकी जो पीपी किट है वो क्या है, नीचे टच ना हो, इन्फेक्टेड एरिया से टच ना हो। अगर आपकी ड्यूटी है मॉर्निंग और जो नाइट का स्टाफ है, ध्यान रहे जब आप पीपी पहनो तो वो आपके कॉन्टेक्ट में ना आए, क्लियर है? कॉन्टेक्ट में नहीं आओगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, ठीक है? आप ये ध्यान में रखोगे, जब भी आप पीपी पहनो तो वहीं पे पहनो जो पीपी पहनने का एरिया होगा। हॉस्पिटल्स में क्या है, डोनिंग का अलग एरिया होता है, डोफिंग का अलग एरिया होता है, ठीक है? डोनिंग मीन्स पीपी पहनना, डोफिंग मीन्स पीपी किट को उतारने का एरिया, क्लियर है? तो आप क्या करोगे, उन दोनों एरिया में आपको ध्यान रखना है। जब आप पहनोगे तो उसी एरिया में पहनोगे, और जब आपको डिस्कार्ड करना है तो आप वहां पे ध्यान दोगे, क्लियर है? और जब आप पीपी पहनोगे तो किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टेक्ट में नहीं आओगे जो शिफ्ट करके निकल रहा है या फिर कोई इन्फेक्टेड है, क्लियर है इतना, ठीक है? और क्या चीजें ध्यान में रखोगे पीपी पहनते हुए, और क्या आ रहा है दिमाग में, कुछ आ रहा है क्या? क्या करोगे अगर कोई पेशेंट कोविड से जा रहा, कोविड का है, ठीक है, तो आपका पीपी पहनने का टाइम है, तो और क्या क्या चीजें दिमाग में रखोगे कि क्या करना चाहिए, फ्लोर पे टच ना हो, इन्फेक्टेड एरिया में टच ना हो, या फिर किसी के कॉन्टेक्ट में ना आओ आप, या फिर प्रॉपर मेथड से यूज करोगे और पीपी को विदाउट हैंड हाइजीन यूज नहीं करोगे, और क्या कर सकते हैं? वेरी गुड, क्या होगा, जो पीपी किट होती है दैट इज डिस्पोजेबल मटेरियल, मतलब सिंगल टाइम यूज। आप क्या करोगे, पीपी किट को ओनली सिंगल टाइम यूज करोगे, आज आपने वियर की है, आपने क्या किया, आपने ड्यूटी कंप्लीट की, आफ्टर दैट आप क्या करोगे, उसको डिस्कार्ड करोगे, नेक्स्ट डे आप उसको नहीं पहनोगे, क्लियर है सबको? ठीक है, तो आपको ये चीजें सब क्या है, ध्यान में रखनी है। यूज्ड पीपी आप कैरी नहीं करोगे, क्लियर हो गया? ये थी आपकी पीपी किट पहनते हुए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अब जब आप पीपी किट उतारते हो तो उसका भी एक सिस्टम होता है, ठीक है, मेथड होता है, उसको बोलते हैं डॉफिंग। जो हमने पहना उसको डॉनिंग। डॉफिंग में क्या होगा, हमें क्या करना है, पीपी को डिस्कार्ड करना है, उतारना है उसको, ठीक है? पहले हमने क्या किया, वियर किया, ड्यूटी कंप्लीट की, आफ्टर दैट हमने क्या किया, डॉनिंग, डॉफिंग करनी है, ठीक है? अब आपने पीपी किट फॉर एग्जांपल पहन ली है, आप पेशेंट के पास गए,
लेकिन आपको रूम में बहुत सफोकेशन हो रही है, इसमें जिप सूट लगा होता है, सूट जो सूट है आपका उसमें जिप होगी, जिप वाला सूट होता है ये, ठीक है। तो आप इतना दिमाग में रखना है, आप कभी भी अपना जो एरिया है वो एक्सपोज नहीं करोगे, क्लियर है? अपनी स्किन एक्सपोज नहीं करोगे, आपकी सिर्फ आईज दिखनी चाहिए, बाकी एरिया आप क्या करोगे, फुल्ली कवर्ड रखोगे। तो कभी भी आप जिप जो है ओपन नहीं करोगे। अगर आपको सफोकेटिंग लग रहा है तो आप थोड़ी देर रूम से बाहर आ जाओ, ठीक है। आप कभी भी उसको ओपन नहीं करोगे। अगर आपने ओपन कर दी तो क्या होगा, जो एक हाइजीन की एसेप्टिक मेथड की जो चेन है वो क्या है, ब्रेक हो जाएगी, क्लियर है? अब उतारते हुए हमें क्या करना है, डोफिंग वाले एरिया में जाना है। जो भी हमारा वैसे पीपीई कोविड के टाइम पे अलग है, पीपीई नॉर्मली जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, नॉर्मल जो वार्ड्स में हम यूज करते हैं, वो हम डिस्कार्ड करते हैं येल्लो में। कहाँ डिस्कार्ड करते हैं? येल्लो डस्टबिन, BMW, बायोमेडिकल वेस्ट। तो येल्लो में उसमें क्या क्या जाता था, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, अपने अपने पीपी पहना है, कोविड पेशेंट भी देख रहे हो, ठीक है, क्या हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, आपका जो क्या है फ्लूड उसमें लग रहा है, लग रहा है बॉडी फ्लूड, स्वेटिंग होती है, स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्वेट रिलीज करते हैं। तो वो जो आपके पीपी किट का जो भी मटेरियल है, अगर आप नॉर्मल वार्ड में हो, नॉन कोविड वार्ड में हो, तो आप क्या करोगे, वो सब येलो में डिस्कार्ड करोगे और ग्लव्स रेड में डालोगे। लेकिन अगर आप कोविड वार्ड में हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो कोविड वार्ड में क्या होता है, जो डोफिंग एरिया होता है वो अलग रखा जाता है, वहां पे डस्टबिन होता है। आपको जो भी आपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्यूटी आपने जो सूट यूज किया है, ग्लव्स यूज किए हैं, कैप है, जो भी है, वो सब आप क्या करोगे, उस वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड करोगे। वो भी येलो कलर का ही होता है, ठीक है, लेकिन क्या है, कोविड का है इसलिए उसको सेपरेट रखा जाता है, उसको बाकी बायोमेडिकल वेस्ट से मिक्स नहीं किया जाता, क्लियर है? क्लियर हो गया इतना? तो उतारते हुए एक तो ये चीज का ध्यान रखोगे कि एरिए में ठीक हो, डॉफिंग एरिया जो है वहीं पे हो या नहीं, क्लियर है? और डस्टबिन देखोगे है, अगर नहीं होगा तो क्या करोगे, कहीं भी फेंक दोगे। तो मेक श्योर जहां चेंज कर रहे हो, उतार रहे हो पीपी किट को, वहां पे क्या हो, डस्टबिन हो, वो एरिया भी कैसा हो, डोफिंग वाला एरिया, जहां पे आप उतार सको पीपी किट, क्लियर है? अब जब हम उतारते हैं तो हम कोशिश क्या करेंगे, इनर साइड क्या है, स्टेराइल है, इनर साइड क्या है, क्लीन है, इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन आउटसाइड क्या है, इन्फेक्टेड है। तो जो आउटसाइड है उसको हम टच ना करें, हम इस तरीके से पीपी किट को उतारते हैं, वो हम अभी करेंगे, ठीक है। तो पीपी किट को हम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेथड से उतारते हैं, और जब हम उतार देंगे, पूरा पीपी सूट हमने उतार दिया, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हैंड सैनिटाइज, ठीक है, या हैंड वॉश, प्रेफरेंस हम किसको देंगे, हम हैंड वॉश करेंगे, क्लियर है सबको? हैंड हाइजीन के स्टेप्स क्या हैं, सरिता मैम? हैंड हाइजीन में फर्स्ट जो हैंड, पॉल्म टू पॉल्म, बैक ऑन द हैंड, इंटरलॉक, नकल्स, थम रोटेशन, टिप्स ऑफ द फिंगर एंड विस्ट, और योर वॉश योर हैंड एंड मी। पीपी किट में, पीपी किट हम कब कब यूज करेंगे? अंजू, पीपी किट का इस्तेमाल अभी कोरोना टाइम में, तो मतलब हॉस्पिटल में जाने के बाद पीपी किट पहनते हैं, और हम कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं जब वो पीपी किट का इस्तेमाल करते हैं, या कोई मतलब जो ऐसी डिसीज है जो हमें इन्फेक्ट कर दे जब हम पीपी किट का इस्तेमाल करते हैं, बस। क्लियर है सबको? थैंक यू क्लास।